हेलो गाइस, आप लोगों की फिर से ट्रस्ट टेक्नोलॉजी में स्वागत है। मैं आज लेके आया हूँ एक मिक्स टेच का डिजिटल क्लाइमेटर। ये आपको दिखाऊंगा कैसा है, और ये बहुत ही बढ़िया एक क्लाइमेटर है, ठीक है। इसमें बहुत सारे फीचर दे जाते हैं, तो चलिए देखते हैं। इसमें एसी से डीसी वोल्ट हम मेज़र कर सकते हैं, डीसी वोल्ट एसी वोल्ट मेज़र कर सकते हैं, और इसमें एसी एम्पियर मेज़र कर सकते हैं, और इसमें ओम्स मतलब रेजिस्टेंस माप सकते हैं, क्वांटिटी अच्छा इसमें कैपेसिटर का मतलब एमएफडी माप सकते हैं, और वो जो क्वासी एसी मतलब एसी टू डीसी होता है वो हम मेज़र कर सकते हैं। देखिए डिजिटल कैपेसिटर, डीसी वोल्ट एसी वोल्ट एसी करंट वोल्ट रेजिस्टेंस अच्छा कैपेसिटी फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसीज में हम लोग माप सकते हैं, परसेंटेज माप सकते हैं, बॉडी टेस्ट कर सकते हैं, बैकलाइट न्यू डिजिटल एम्पियर ऑटो पावर ऑफ। तो चलिए इसको हम लोग रिव्यू कर सकते हैं, और इसका जो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया तो आप लोग वहां से परचेस कर सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया एक क्लाइमेटर है, आप लोगों को इसी के लिए सजेस्ट करते हो। आप लोग अगर क्लाइमेटर लेना चाहेंगे, इसको लेना चाहे इसको ले लेंगे तो आपको फ्यूचर में बहुत सारा काम आएगा। अगर नहीं तो आपने थोड़ा सा कम पैसा देके लिए चीज़ खरीदेगा तो आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा और ज़्यादा दिन भी नहीं जाएगा। तो चलिए इसको खोलते हैं। देखिए ऐसा पैकेज के साथ आता है, ऐसा पैकेज के साथ आता है, और बहुत ही बढ़िया पैकेज किया है। ये पैकेट के साथ आता है, चलिए इसे खोलते हैं। दोस्तों इसका प्राइस है कुछ अमेजन में 1000 से ऊपर है, और आप जो कि आप लोकल अगर लेंगे तो आपको 200, 250, 300 में मिल जाएगा, लेकिन ये बहुत ही बढ़िया है। तो चलिए इसको इसका देखते हैं यहाँ पर क्या है। यहाँ पर फोल्ड है, देखिए यहाँ पर एम्पियर है 400 से 600, 400 से 600 ऐसे 14 एम्पियर माप सकते हैं। 4 एम्पियर में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, और 400 से 1600, और यहाँ पर वोल्ट यूज़ कर सकते हैं। ये एसी शायद ये है डीसी, और ये कंटिन्यूटी ये ऑफ, और इसमें सिलेक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए इसको बैटरी लगा कर फटाफट देख लेते हैं क्या क्या है कि नहीं। गैस इसके इसके साथ ये प्रॉप भी है जो बहुत ही अच्छा है, देखिए इसको ये बहुत ही बढ़िया दिया है दूसरे मल्टीमीटर के मुकाबले, और इसके साथ एक बैटरी दिया है गोल्ड मैन का, ठीक है ये बैटरी है, और एक यूज़र मैनुअल है इसके साथ, ठीक है। और ये बॉक्स को देखिए बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है, और इसके अंदर एक पॉकेट दिया गया है, और ये बहुत ही बढ़िया बैग ये हैंगिंग करने के लायक है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इसके पीछे एक स्क्रू टाइप का है, इसको हम खोल देंगे तो निकल जाएंगे। देखिए यह है इसका पीछे का ढक्कन, और यह है बैटरी लगाने का वायर प्रूफ, ठीक है। तो शायद ये इधर लगेगा या इधर लगेगा, मेरे को पता नहीं, लगा देता हूँ इधर ही लगा देता हूँ, ठीक है इधर लगा के देखते हैं। तो गाइस बैटरी को हमने लगा चुका है, बैटरी को हमने ऐसे लगाया, देखिए ये तो आपने लगाना जानते हो, ठीक है। तो हमने बैटरी को सिंपली ऐसे लगा दिया और ऐसे रख दिया, और इसके साथ ये जो ढक्कन है लगा दिया। तो बाद में हम स्क्रू को लगा देंगे, ये स्क्रू को, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं इसका क्या क्या रिजल्ट है। इसमें आ गया हमने डीसी वोल्ट, ठीक है, और इसमें है रेजिस्टेंस और कंटिन्यूटी, इसमें है एम्पियर, इसमें है एम्पियर, ये भी एम्पियर, ये है वोल्ट एसी वोल्ट, ठीक है। तो कुछ नहीं है, अभी हम इसको हज में सिलेक्ट करेंगे,
जाइए, डीसी वोल्ट में गया, सिलेक्ट का ऑप्शन है तो मशीन जब ऑफ रहता है तब ये नहीं होता है। हज में गया हम तो हज देख सकते हैं, और सिलेक्ट ऑप्शन में कुछ नहीं है, हज रेंज होल्ड रेंज, अच्छा इसमें होल्ड कर सकते हैं, इसमें जा करके हज में नहीं जा सकते हैं, फुल में जा करके हज में नहीं जा सकते हैं। तो हज में जाने के लिए यहाँ पर जाना पड़ेगा, और कैपेसिटर का MFD भी हम ने माप सकता है इसके ज़रिए। इसमें सिलेक्ट में ये है, कैपेसिटर का MFD माप सकते हैं, और इसमें क्या है, होल्ड रेंज होल्ड कर सकते हैं, ये रेंज ठीक है। चलो अब मैं एक चीज़ चेक करता हूँ कि इसका ये स्विच है, ये किसके साथ काम करता है, ये देखिए, ये जो पीछे का लाइट देख रहे हैं ना, चाहिए ये इसी सबसे ज़्यादा अच्छा काम है। आपका अगर वॉल के नीचे से कोई वायर गया है, आपने ड्रिल करेंगे तो ये जो लाइट देख रहे हैं इसके पीछे वाला, ठीक है, ये जो लाइट देख रहे हैं इसके पीछे वाला, ये काम करेगा। देखिए अभी देखिए, हमने इसके ऊपर रखेगा, ये काम करना स्टार्ट कर देगा, देखिए देखिए, इसका मतलब है यहाँ से लाइन जा रही है, यहाँ से लाइन नहीं जा रहा है, तो हम इस लैंप को बंद कर देंगे तो वही जलता है कि नहीं, देखिए, और नहीं जल रहा है, फिर इसको जला देंगे, देखिए ये इस काम के बहुत बढ़िया है। चलिए आपको इस एम्पेयर मीटर ने हम ये फ्रीक्वेंसी और वोल्ट चेक कर सकते हैं, और यहाँ पर एम्पियर एम्पियर और एम्पियर, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस, यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, ये है रेजिस्टेंस, ठीक है, और देख देख लीजिए, ये है रेजिस्टेंस, फिर दबाएंगे तो फिर अच्छा, फिर आया ये MFD, यहाँ पर हम इसमें हम MFD चेक कर सकते हैं, फिर सिलेक्ट करेंगे इसमें ओम से कर सकते हैं, फिर ये है, ये MFD है, ये कंटिन्यूटी, ये MFD, ये बेकार, फिर रेंज कितना सिलेक्ट करेंगे, किलो ओम्स, मेगा ओम्स, और ये वोल्ट, इसमें हम इसका कोई रेंज नहीं है, और होल्ड तो हमने हज सेलेक्ट करेंगे, तो इसमें ये सब होता है। तो आप इस मल्टीमीटर को ख़रीदना चाहते हो तो ये बहुत ही बढ़िया एक मल्टीमीटर है, बहुत ही एक्सपेंसिव है, क्वालिटी भी अच्छा है, तो हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप अमेजन से ख़रीद लीजिए, 1000 कुछ कुछ प्राइस होगा। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं इसी के उम्मीद पे, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स, नहीं तो मैं आगे वीडियो नहीं बना पाऊँगा, आपके इस छोटी सी हेल्प में हम आगे बढ़ पाएंगे।